दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं जीके के 20 बेहतरीन प्रश्न। बिना देर किए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न नंबर एक, कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इस प्रश्न का उत्तर है 1999 में। प्रश्न नंबर दो, भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है परमवीर चक्र। प्रश्न नंबर तीन, कारगिल युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर है टाइगर हिल्स लद्दाख। प्रश्न नंबर चार, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है 26 जुलाई को। प्रश्न नंबर पांच, कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? इस प्रश्न का उत्तर है ऑपरेशन विजय। प्रश्न नंबर सिक्स, किस विमान को कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर है मिराज 2000। प्रश्न नंबर सात, कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न नंबर आठ, कारगिल युद्ध कितने दिनों तक चला था? इस प्रश्न का उत्तर है 60 दिनों तक। प्रश्न नंबर नौ, कारगिल युद्ध कब शुरू हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है 3 मई 1999 को। प्रश्न नंबर 10, कारगिल युद्ध में शेर शाह के नाम से जाने जाते थे? इस प्रश्न का उत्तर है कैप्टन विक्रम बत्रा। प्रश्न नंबर 11, चंद्रयान 3 मिशन किस तारीख को लॉन्च हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है 14 जुलाई 2023। प्रश्न नंबर 12, हमारे दिमाग का वजन कितना होता है? इस प्रश्न का उत्तर है 1320 ग्राम। प्रश्न नंबर 13, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? इस प्रश्न का उत्तर है शुतुरमुर्ग का। प्रश्न नंबर 14, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इस प्रश्न का उत्तर है 5 वर्ष का। प्रश्न नंबर 15, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इस प्रश्न का उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 16, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है उद्देशिका को। प्रश्न नंबर 17, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? इस प्रश्न का उत्तर है उपराष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है रूस के संविधान से। प्रश्न नंबर 19, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है?
इस प्रश्न का उत्तर है संसद को। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? इस प्रश्न का उत्तर है एकल नागरिकता।